हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग से निकाली गई बंपर भर्तियों की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज रखी गई है जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कब से कब तक आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको यहां पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक्स के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं दोस्तों इस भर्ती की अपडेट के बारे में। सो इसी के साथ में दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने स्टेट का नाम और अपना नाम जरूर लिख देना, ताकि आपके स्टेट की वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी आप तक मिलती रहे। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है दोस्तों, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की तरफ से नोटिफिकेशन जो है निकाला गया है। बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ, PS कार्ड ए, AO कार्ड ए, नोटिस सर्वर LDC, ग्रुप सी ड्राइवर, स्टेनो ग्रेड सेकंड एंड इनकम टैक्स ऑफिसर के रिगार्डिंग जो है ये नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज किया गया है। एंड इन्हीं भर्ती से संबंधित हम आगे की अपडेट के बारे में बात करेंगे। सो यहां पर हम बात कर ले दोस्तों, यहां पर आप चेक कर सकते हैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई बंपर भर्ती की अपडेट के बारे में। तो यहां पर दोस्तों, अगर हम बात कर ले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आपका जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये वैकेंसीज ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर भी आप यहां से चेक कर सकते हैं, एक 166/A/18/1 जो है आपका रिक्रूटमेंट नंबर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें तो 20,751 वैकेंसीज के अप्रोक्सीमेटली जो है आपकी वैकेंसीज रखी जाएंगी। अवेलेबल कैटेगरीज की अगर मैं बात कर लूं तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, AO कार्ड है, PS कार्ड है, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और TA व स्टेनो ग्रेड सेकंड के पदों पर ये वैकेंसीज हैं। एंड बात करते हैं दोस्तों जॉब कैटेगरी के बारे में, तो आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी, ऑल इंडिया की जॉब है फ्रेंड्स, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है आप इन भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों फरवरी के जो है लास्ट में आपको इन वैकेंसीज का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मार्च 2022 जो है आपकी लास्ट डेट रखी जाएगी। इनकम टैक्स india.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। दोस्तों इस भर्ती से संबंधित जैसे ही कोई जो है अदर इन्फॉर्मेशन निकल करके आती है, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हम जब भी कोई लेटेस्ट वैकेंसी आएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और इस भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट निकल करके सामने आएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक जो है सबसे पहले पहुंचा देंगे। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो दोस्तों यहां पर आप जो है अगर ग्रेजुएशन कैंडिडेट है, बैचलर डिग्री पास है या फिर 12th पास है, 10th पास है, तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। यहां पर बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बनने के स्टेप बाय स्टेप तरीके के बारे में, तो incometax.india.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट 2022 के नोटिफिकेशन पर जाना है। देन उसके बाद में आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आपको केयरफुली रीड कर लेना है। एंड उसके बाद में आपको जो है एक लिंक दिया जाएगा जिसमें से आप जो है इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर आपका जो है इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में फ्यूचर के लिए दोस्तों आप इसके लिए एक प्रिंट आउट जरूर रख लें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बात करते हैं सैलरी पैकेज के में, तो सैलरी पैकेज आपको यहां पर भर-भर के दिया जाता है, बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती है। इनकम टैक्स से इंस्पेक्टर पद के लिए बात कर ले तो 9,300 से 34,800 रुपए आपको जो है यहां पर सैलरी दी जाती है और 4600 रुपए आपका यहां पर ग्रेड पे बनता है। टैक्स असिस्टेंट पद के लिए दोस्तों अगर आप यहां पर अप्लाई करते हैं तो 5,200 से 20,200 रुपए आपको सैलरी मिलेगी, 2,400 रुपए आपका ग्रेड पे बनेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS पद के लिए भी 5,200 से 20,200 रुपए आपकी जो है सैलरी बनेगी और 1,800 रुपए आपको ग्रेड पे मिलने वाला है। स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है
520,200 रुपए सैलरी मिलेगी और 2400 रुपए आपको जो है यहाँ पर ग्रेड पे मिलता है। बात करते हैं सैलरी रैंक के बारे में कि कौन सी पोस्ट पर जो है अच्छी सैलरी मिलती है उसके बारे में, तो यहाँ पर आप जो है सैलरी रैंक चेक कर सकते हैं, कार्डे और नेम ऑफ द पोस्ट से जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड अपनी पोस्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है अपना रेवेन्यू सर्विस इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर चेक कर सकते हैं ग्रेड्स के जो है माध्यम से, तो इनकम टैक्स ऑफिसर एओ कार्ड है, पीएस कार्ड है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेनो ग्रेड सेकंड ड्राइवर एंड टैक्स असिस्टेंट एलडीसी ड्राइवर नोटिस सर्वर ग्रुप सी एंड ईडीपी कार्ड है, ओएल कार्ड है और अदर पोस्ट पर जो है आपका यहाँ पर सैलरी रैंक रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है रिटर्न एग्जाम रहेगा जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर ओएमआर बेस्ड टेस्ट रहेगा और उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू करवाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू आपका सभी पोस्ट के लिए नहीं रहेगा, जो भी हाई रैंक वाली पोस्ट है उनके लिए आपका पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको जो है एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाएगा, सो एग्जाम पैटर्न में आपको 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपके जो है पूरे 400 नंबर 400 क्वेश्चन रहेंगे, 400 मार्क रहेंगे और 2.5-2 घंटे का आपको जो है यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। एंड इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपके यहाँ पर 1/4 रहने वाली है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एंड दोस्तों यहाँ पर आप जो है पूरी तरीके से सिलेबस इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। एंड इस भर्ती के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल के नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपके लिए जो है एक अलग से नई वीडियो लेकर के आ सकूं जिसमें आपको स्ट्रेटजी के बारे में बता सकूं कि दोस्तों किस तरीके से जो है आपको इस भर्ती के लिए प्रिपरेशन करनी है। सो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी एंड अगर आप सभी इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।